हेलो दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन का जो गेम है वो जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। गेम रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही कुछ और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है शिबा इनू कॉइन रिलेटेड। पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो बीट वैलेट जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ कॉइन को लिस्ट करने वाला है, जिसमें इथेरियम, डोज कॉइन, लाइट कॉइन और शिबा इनू कॉइन, चार नए क्रिप्टो कॉइन को इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने वाली है, जिसमें शिबा इनू कॉइन का भी नाम है। यानी शिबा इनू कॉइन को एक और नए क्रिप्टो एक्सचेंज पर जल्दी लिस्ट किया जाना है। साथ ही दोस्तों, शिबा इनू कॉइन में 14 और 15 अगस्त को जो एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, उस रैली ने कई नए इन्वेस्टर को, कई नए अगर हम बात करें वेल वैलेट को, अपनी ओर दोस्तों आकर्षित किया है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू शिबा इनू कॉइन में बड़े बड़े वेल एंट्री करते हुए जा रहे हैं। अगर आप वेल स्टेट का डाटा देखोगे, लगभग 3 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया है, इसमें बताया है कि जो इथेरियम के टॉप 2000 वेल वैलेट है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस कॉइन की होल्डिंग करके रखी है वो है शिबा इनू कॉइन। शिबा इनू कॉइन होल्डिंग के मामले में यहाँ पर टॉप पर रैंक कर रहा है। $163 मिलियन के शिबा इनू कॉइन को इथेरियम के जो टॉप 2000 वेल वैलेट है उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो जब दोस्तों इतनी बड़ी क्वांटिटी में वेल वैलेट शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लॉन्ग टर्म में यहाँ पर शिबा इनू कॉइन से प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म में शिबा इनू कॉइन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अभी दोस्तों शिबा इनू कॉइन के जो दो बड़े प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट शिबेरियम ब्लॉकचेन और दूसरा शिबा इनू कॉइन का गेम, ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट दोस्तों जैसे ही मार्केट में लॉन्च होंगे, ये डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन के प्राइस को ₹1 तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की बर्निंग की, शिबा इनू कॉइन के प्राइस को ₹1 तक ले जाने में सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी शिबा इनू कॉइन की सप्लाई। तो अभी दोस्तों शिबा इनू कॉइन की सप्लाई काफ़ी तेज़ी से कम होती हुई जा रही है। अगर आप बर्निंग की बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था, कल जब मैंने आपको बताया था तब लास्ट 24 आवर में 133 मिलियन शिबा इनू कॉइन को बर्न किया गया था, और आज अगर आप देखोगे तो लास्ट 24 आवर में 105 मिलियन से भी ज़्यादा शिबा इनू कॉइन को बर्न किया गया है लास्ट 24 आवर में। तो कंटिन्यू एक बड़े लेवल पर शिबा इनू कॉइन की जो बर्निंग है वो हमें देखने को मिल रही है, जिससे शिबा इनू कॉइन का जो बर्न रेट है उसमें काफ़ी बड़ा स्पाइक देखने को मिला, अराउंड 300% से भी ज़्यादा का। तो काफ़ी तेज़ी से शिबा इनू कॉइन की बर्निंग हो रही है। साथ ही अगर हम शिबा इनू कॉइन की कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के मामले में शिबा इनू कॉइन जल्दी बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है। आज अगर हम बात करें, अगर शिबा इनू कॉइन का अगर आप ट्विटर पर फॉलोअर देखोगे तो 3.4 मिलियन से भी ज़्यादा शिबा इनू कॉइन के ट्विटर पर फॉलोअर हो चुके हैं, और हमने यहाँ पर फॉलोअर के मामले में डोज कॉइन को पीछे कर दिया है, क्योंकि डोज कॉइन के भी लगभग इतने फॉलोअर थे 3.4 मिलियन। तो अभी दोस्तों शिबा इनू कॉइन के 3.4 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। फॉलोअर के मामले में क्रिप्टो करेंसी में शिबा इनू कॉइन थर्ड पोजीशन पर आ चुका है, और सेकंड पोजीशन पर है बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन के 5.47 मिलियन फॉलोअर है, जो कि शिबा इनू कॉइन से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शिबा इनू कॉइन को मार्केट में आए सिर्फ अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। ट्विटर पर आए अगर हम बात करें, 1.5 साल हुआ है ट्विटर पर आए, उसमें इतनी तेज़ी से उसकी जो फॉलोअर है, इसकी कम्युनिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो डेफिनेटली जल्दी हम यहाँ पर बिटकॉइन को भी बीट करने वाले हैं। और फर्स्ट पर जो रैंक कर रहा है वो है बाइनेंस, जिसके 9.32 मिलियन फॉलोअर है ट्विटर पर। दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की हम बात करें जो कि शिबा इनू कॉइन के गेम रिलेटेड निकल के आ रही है, विल शिबा इनू टेस्ट शिबा इटर्निटी इन नॉर्थ अमेरिका। अभी शिबा इनू कॉइन का जो गेम है उसके बीटा वर्जन का टेस्ट वियतनाम में स्टार्ट हो चुका है, और जब इनकी टीम ने वियतनाम में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की थी, जब शिबा इनू कॉइन की टीम ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा रिस्पॉन्स शिबा इनू कॉइन के गेम को वियतनाम में मिला, उसी वजह से शिबा इनू कॉइन की टीम को इसके जो सर्वर की कैपेसिटी है उसको 50x तक इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा दोस्तों रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड वियतनाम में इसके किए गए। ऐसे तो दोस्तों इसकी डिमांड है वो ग्लोबली चल रही है, लेकिन शिबा इनू कॉइन के जो नेक्स्ट प्लान है वो नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों इसकी जो टेस्टिंग है वो हो सकती है। हालांकि शिबा इनू कॉइन के जो लीड डेवलपर है सतोशी कुसामा, उन्होंने एक ट्वीट में बताया था कि इसकी जो नेक्स्ट टेस्टिंग है वो इंडोनेशिया में हो सकती है। तो Q3 के एंड तक दोस्तों शिबा इनू कॉइन के गेम की टेस्टिंग होने वाली है, उसके बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। Q3 की बात करें तो अभी दोस्तों Q3 के एंड में सिर्फ 40 डे बाकी है, 40 दिनों के बाद Q3 का एंड हो जाएगा। उसके बाद कभी भी दोस्तों शिबा इनू कॉइन की टीम हो सकता है Q3 के एंड तक इसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है,
और काफ़ी तेज़ी से इसका जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है और कभी भी इसकी टीम इसे लॉन्च कर सकती है। और ये एक बड़ा दोस्तों प्लस पॉइंट हो सकता है और एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं शिबा इनू कॉइन के लिए। इस गेम के लॉन्च के बाद डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन के प्राइस में एक बड़ा उछाल, एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई जा रही है और वैसे में अगर शिबा इनू कॉइन का गेम आएगा तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा शिबा इनू कॉइन को। और दोस्तों ऑलरेडी सतोशी कुशामा शिबा इनू कॉइन का जो डिस्कॉर्ड पर चैनल है वहाँ पर बता चुके हैं कि शिबा इटर्निटी के टूर्नामेंट भी आ सकते हैं। जब शिबा इनू कॉइन का गेम लॉन्च हो जाएगा तो ये शिबा इटर्निटी के टूर्नामेंट भी लेकर आएंगे। तो डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन की टीम दोस्तों काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके रखी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब इसे ये लॉन्च करेंगे तो लॉन्चिंग के लिए दोस्तों ये डाउनलोड डे यहाँ पर करने वाले हैं सेलिब्रेट, या डाउनलोड डे के रूप में से लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लान चल रहा है इनकी टीम का और जब भी ये गेम दोस्तों मार्केट में लॉन्च होगा डेफिनेटली बड़ा धमाका करने वाला है। आपने कितने शिबा इनू कॉइन बाय करके रखे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।